Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था निर्णय थॉमसन मेथड की हेल्प से कैसे हम पता करेंगे या कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन को। ठीक है, तो आज हम इससे बेस्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले ही ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। तो ये लेते हैं ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच द रियल पार्ट इज। वो एनालिटिक फंक्शन हमें पता करना है जिसका रियल पार्ट क्या है। ई टू द पावर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में टू एक्स वाई साइन वाई ऐसा दिया हुआ है। तो हमें इसका जो है एनालिटिक फंक्शन पता करके बताना है। तो कर देते हैं स्टार्ट। मान लेते हैं एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है इस तरीके से, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी कोई एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट दिया हुआ है। तो अगर अपन ने ऐसा मान लिया यू प्लस आयोटा वी, तो हमारा रियल पार्ट क्या होता है, यू जो है ये रियल पार्ट है और वी जो है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट हमने क्वेश्चन में लेके रखा, तो रियल पार्ट लेके यहाँ से चल देंगे, कहेंगे यू कितना दिया है हमें, यू लेके रखा ई टू द पावर माइनस में एक्स और कितना ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई प्लस में टू एक्स वाई साइन वाई इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स पता करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये मेथड है ना, देख लीजिए हमारे पास जो भी रियल पार्ट दिया रहेगा उससे हम क्या पता करेंगे, उससे हम डेल यू बाई डेल एक्स पता कर लेंगे और उससे हम डेल यू बाई डेल वाई पता कर लेंगे। डेल यू बाई डेल एक्स जो आएगा उससे फाई वन क्या करेंगे, फाई वन एक्स वाई मानेंगे, और डेल यू बाई डेल वाई जो आएगा इसे फाई टू एक्स वाई मानेंगे। देन हमें क्या करना है, इसमें एक्स की जगह पे जेड पुट करना है और वाई की जगह पे कितना पुट करना है, जीरो पुट करना है। अगर ये हम पुट कर देंगे तो इस फॉर्मूले से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल टू फाई वन जेड जीरो आ जाएगा माइनस में फाई टू जेड जीरो आ जाएगा। इसका हम कर देंगे इंटीग्रल और हमें पता चल जाएगा क्या वो जो भी एनालिटिक फंक्शन होगा वो। तो सेम यही वर्क करते हैं अपन, क्या करते हैं यहाँ से डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी डेल यू बाई डेल एक्स पता कर लेते हैं। और जब डेल यू बाई डेल एक्स अपन ने पता करा तो क्या आया अपने पास, देखो ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में ई की पावर माइनस एक्स और ये पूरा फंक्शन ऐसे छूट जाएगा। देन ई की पावर एक्स जब छूटेगा अंदर का डिफरेंशिएशन देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा कितना जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और कॉस वाई इसके साथ में। फिर यहाँ से टू एक्स वाई का जब डिफरेंशिएशन होगा तो टू एक्स का वन हो जाएगा यानी कि टू वाई साइन वाई आ जाएगा। और डेल यू बाई डेल एक्स को अपन को क्या मानना है, फाई वन एक्स वाई मानना है, जिसको अपन ने क्या मान लिया, फाई वन एक्स वाई मान लिया। ऐसे ही हमने जो u है यानी रियल पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन कर लिया किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो x है y है ही नहीं, तो e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही छूट जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो जब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे cos y था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में साइन y हो जाएगा। फिर इसके बाद जब साइन जब cos y छूटेगा तो यहाँ पे इस इतने का डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस में टू वाई आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे डिफरेंशिएशन होगा टू वाई साइन वाई आ जाएगा, और फिर जब वाई यहाँ का छूटेगा तो कॉस वाई का साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस वाई। तो डेल यू बाई डेल वाई को अपन क्या मानते हैं, फाई टू एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद x की जगह पे पुट करना होता है जेड और y की जगह पे पुट करना होता है जीरो। तो फाई वन एक्स वाई और फाई टू एक्स वाई में यही सब्स्टिट्यूशन अपन कर लेते हैं, x की जगह पे जेड पुट कर लेते हैं, y की जगह पे जीरो पुट कर लेते हैं। तो x की जगह पे जब जेड पुट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे x की जगह पे जेड तो e की पावर माइनस में जेड हो जाएगा, यहाँ पे जेड का स्क्वायर हो जाएगा और y की जगह पे जीरो तो जीरो हो जाएगा, cos y cos y cos जीरो हो जाएगा, cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो टू एक्स की जगह पे जेड, लेकिन जब हम यहाँ साइन y साइन जीरो जीरो हो जाएगा, y की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से केवल ये क्वान्टिटी मिलेगी हमें। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे जब अपन पुट करेंगे तो e की पावर माइनस जेड बन जाएगा, यहाँ पे cos जीरो कितना होता है, वन होता, तो यहाँ से टू जेड मिल जाएगा।
आगे कितना है, 2y sin y है, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि पाई 1 z 0 कुल मिला करके हमें कितना मिल जाएगा, माइनस में e to the power -z z² और यहाँ से e to the power -z और 2z मिल जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करिए तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी e to the power -2z² + 2z e to the power -z मिल जाएगा। और यहाँ पे जब पुट करेंगे अपन x की जगह पे 0, तो देखो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, यहाँ y आया हुआ है इस कारण से 0 हो जाएगा 1। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन y है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इस कारण से 0 हो जाएगा, यहाँ पे y आया हुआ है इस कारण से ये 0 हो जाएगा, यहाँ साइन y आया हुआ है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ फिर से y आया हुआ है, इसका फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि फाइव टू जेड 0 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइव वन जेड 0 अपने पास आ गया, फाइव टू जेड 0 आ गया अपने पास। अब इस इन सब की वैल्यूज को क्या करते हैं, मेरी थॉमसन मेथड में पुट कर देते हैं। तो बोलते हैं भाई मैग्नेट थॉमसन मेथड क्या कहता है, f(z) इंटीग्रल होता φ1z0 माइनस में i φ2z0। तो φ1z0 की वैल्यू यहाँ आएगी और φ2z0 ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो अपने पास इतना कुछ बचा और प्लस में ये कांस्टेंट। अब इसका कर लेते हैं अपन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पर ये सेपरेट हो जाएगा e to the power -z और z² dz प्लस में 2z e to the power -z हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस ये यहाँ का माइनस ये बाहर रह जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में z² e to the power -z और फिर माइनस में z² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना 2z हो जाएगा, पूरे का क्या इंटीग्रेशन। सेम ऐसे यहाँ पे स्क्वायर जितनी भी दिखा रहे दिया, क्योंकि ये सेम टू सेम आ रहा है इससे, अब ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, सॉरी ये यहाँ पे भी 2 है, देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अपने पास कितना जाएगा z² और e to the power -z प्लस में कॉन्स्टेंट। तो कुल मिला करके ये हमारे पास क्या आ गया, वो एनालिटिक फंक्शन आ गया जो हमने माना था। अब इसमें u भी है और v भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है u sin 2x cos hyperbolic² y और प्लस में cos 2y है, सॉरी हाइपरबोलिक स्क्वायर नहीं, हाइपरबोलिक 2y और प्लस में cos 2x है। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द करेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एनालिटिक फंक्शन को पता करना है। तो चल देते हैं आगे, u की वैल्यू ये दी हुई है हमें, तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा मेथड, वही जो अपन u / v वाला होता है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसका डिफरेंशिएशन v छूटता है, सही u का डिफरेंशिएशन होता है, फिर माइनस में u छूटता है, v का डिफरेंशिएशन होता है, और अपॉन में v का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर को देखो ये अभी ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा, फिर साइन 2x छूटेगा, साइन 2x छूटेगा, देखो इसमें तो है y, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 2 sin 2x हो जाएगा, पहले से भी साइन 2x है तो क्या आ जाएगा, ये 2 तो रहेगा सही, साइन 2x क्या जाएगा, साइन 2x, साइन का स्क्वायर 2x हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ वाले माइनस को क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा, प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो आ रहा है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अपन कर सॉल्व कर लेते हैं, और जब सॉल्व करने जाएंगे और तो क्या होगा, 2 cos² क्या होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो कितना जाएगा, 2 cos hyperbolic 2y और cos 2x आएगा, फिर 2 cos 2x का इधर मल्टीप्लाई होगा इसमें, देखो इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, कितना आएगा, 2 cos hyperbolic 2y और इसके साथ में कितना, cos 2x हो जाएगा, फिर प्लस में जब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, प्लस में 2 cos² 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में कितना है, 2 sin² 2x है, तो बताओ ये दोनों मिल जाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल के 1 बना गए हैं और ये 2 केवल बचेगा, अभी यहाँ का 2 कॉमन कर लिए अपन, तो अपने पास कितना बचेगा, cos hyperbolic 2y और cos 2x + 1, और डिनोमिनेटर वैसा का वैसा,
इसे अपन ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है, इसी h को मान गए तो अपन phi 1 x y। सेम ऐसे ही अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो जब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो वो अगर टर्म तो इधर साइन 2x रहेगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया बचेगा। उसमें भी डिनोमिनेटर में cos हाइपरबोलिक 2y का डिफरेंशिएशन होगा, तो वो उसके कारण से डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर का होगा है, तो जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जीरो आ गया तो डिनोमिनेटर हो गया केवल टर्म बचा, तो यहाँ पे क्या माइनस साइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन से शुरुआत हो जाएगा। और कितना cos हाइपरबोलिक 2y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 sin हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा, और यहाँ पे sin 2x साथ में है, अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा, इससे अपन ने क्या मान लिया, phi 2 xy मान लिया। अब इसमें क्या करना है, x की जगह पे z पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है। तो x की जगह पे जब हम z पुट करेंगे तो देखो अपने पास कितना आया है, आया है cos हाइपरबोलिक 2y, तो यहाँ पे जब अपन y की जगह पे 0 पुट करेंगे तब तो ये क्या हो जाएगा, 0 cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे जब z पुट करेंगे कितना cos 2z हो जाएगा, कितना आ गया cos 2z plus 1 over 2, और अपॉन में आएंगे cos हाइपरबोलिक, यहाँ पे ये क्या 0 होगा, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा, प्लस में cos 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2z आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, ठीक है, 2 cos 2z, ठीक है, डिनोमिनेटर का क्या है आपके पास, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, एक पावर से एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 1 plus z 2z बचेगा। अब हमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहला तो होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में कितना sin स्क्वायर थीटा, दूसरा यहाँ से होता है कितना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन यहाँ पे पहले दी हुई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला 2 थीटा का यूज कर लेते हैं, तो अपने पास क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर z बचेगा, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर z बन जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम del z by del y में आ जाते हैं तो ऊपर देखो sin हाइपरबोलिक आ रहा है, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, यानी कि del u by del y यानी कि phi 2z 0 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो फिर आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे मिलने थॉमसन मेथड का यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू होता है इंटीग्रल फाइव वन जेड जीरो माइनस में आयोटा फाइव टू जेड जीरो, आयोटा फाइव टू जेड जीरो, तो कितना हो गया, 0 हो गया, तो कितना बचेगा, सेक स्क्वायर जेड डी जेड हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन जेड होता है, तो अपने पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन जेड प्लस में कॉन्स्टेंट आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन का भी हमने जो है एनालिटिक फंक्शन पता कर लिया। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ रहा है, हार्मोनिक कंजुगेट पूछ रहा है ना, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किया था यहाँ पे, ठीक है, ये मेथड सीखा था, तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट, और इसके पहले चले जाते हैं, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, इसका हार्मोनिक कंजुगेट पता करने के लिए बोल रहा है। अगर हार्मोनिक कंजुगेट पता करने के लिए आपसे बोलता है तब आपको ये मेथड अप्लाई कर देना है, और उसके बाद लेकिन आपको बोलता है एनालिटिक फंक्शन पता करो, क्योंकि ये जो अपन ने पहले मेथड पढ़ा था ना, उस मेथड में हमें v की वैल्यू मिलती है ना, और इस मेथड में हमें पूरा एनालिटिक फंक्शन मिल जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे अपन कि अपन को वैल्यू दी हुई है, अगर एनालिटिक फंक्शन पूछ रहा है तो हम मिलने थॉमसन मेथड को अप्लाई करेंगे, और अगर हमें केवल v की वैल्यू पता करके बताना तो अपन वो वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है ये है थोड़ा सा स्पेशल टाइप का, देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी कोई एनालिटिक फंक्शन है, और हमें इस बार क्या दिया है, यू माइनस वी की वैल्यू दी हुई है, स्पेशल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो हमें कह रहा है एफ ऑफ जेड पता करके बताओ। देखो अभी तक हमें क्या देखे रखा था, अभी तक हमें हमने पढ़ा
अगर मेथड में कि अगर हमें रियल पार्ट देके रखा है तो हम उससे डायरेक्ट जो है एनालिटिक फंक्शन पता कर सकते हैं। अगर हमें इमेजिनरी पार्ट दिया है तब भी हम एनालिटिक फंक्शन पता कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ना हम लोग को रियल पार्ट देके रखा है ना तो हमको इमेजिनरी पार्ट देके रखा है, तो फिर कैसे हम पता करेंगे एनालिटिक फंक्शन कितना होगा। तो देखो इस बात का रखेंगे ध्यान, हमें यू माइनस वी की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ जेड मानेंगे यू प्लस आयोटा वी होता है, ठीक है। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो क्या आ जाएगा, आयोटा एफ जेड इक्वल टू आयोटा यू माइनस में वी हो जाएगा, है ना। आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर उसकी जगह पे माइनस आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को अपन प्लस कर लें तो क्या होगा, एफ जेड कॉमन 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो यू क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ये इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा, रियल पार्ट ये हो जाएगा, यानी कि यू माइनस वी और जेड सॉरी आयोटा और यू प्लस वी आ जाएगा। यानी कि अगर हम इस फंक्शन को कैपिटल एफ ऑफ जेड लिख दें और इस वैल्यू को कैपिटल यू लिख दें, इस वैल्यू को कैपिटल वी लिख दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली इस वाले फंक्शन का जो रियल पार्ट है ये हमें गिवन है, और ये किसके को गए, यू माइनस वी के को गए, यानी कि इसके लिए हमने थॉमसन मेथड अप्लाई कर लें तो डायरेक्ट यहाँ से भी हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन देता है आपको कि यू माइनस आयोटा वी दे देगा, तो हमें इसी तरीके से इसको सॉल्व करना रहेगा, यू प्लस आयोटा वी दे देगा या उसमें आयोटा दे देता है, तो हम थोड़ा सा मेथड को इसमें जैसे आयोटा से मल्टीप्लाई करा माइनस आयोटा में से मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ कुछ बना के पता कर लेंगे उसकी वैल्यू को भी। अब अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है इस फंक्शन का रियल पार्ट हमें दिया है, और हमें मेहनत करना किसके लिए, हमें मेहनत करना इसके इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो चल देते हैं, यू की वैल्यू हमारे पास ये है, कितनी है यू की वैल्यू, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई माइनस में साइन वाई है, तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, और अंदर का दोबारा कुछ डिफ्रेंशिएशन होना नहीं है, इसे मान लेते अपन 5 1 xy। फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, और y के रेस्पेक्ट में तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन cos में हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को अपन कितना मान लेंगे, 5 2 मान लेंगे। अब आपको भी पता चल गया होगा अब तो कि अगर हमारे पास 5 1 आ गया है, 5 2 आ गया है, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे z पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर इसमें एक्स की जगह पे जेड पुट करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई की पावर जेड मिल जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती तो 1 मिल जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती तो हमारे पास 5 1 z 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई टू द पावर जेड आ जाएगी। फिर इसके आगे चलते अपन, इसके आगे चलते तो 5 2 xy में एक्स की जगह पे 0 पुट करते हैं, वाई की जगह पे 1 पुट कर सॉरी एक्स की जगह पे जेड पुट करते हैं, वाई की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पे साइन 0 बनेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 बनेगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस में e की पावर z यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किसकी, 5 2 z 0 की। और अगर हमारे पास 5 1 आ गया, हमारे पास 5 2 आ गया, तो हम इस पर लगा देंगे क्या, मिल्ने थॉमसन मेथड। और मिल्ने थॉमसन मेथड क्या कहता है, f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रल होता है 5 1 z 0 माइनस में होता 5 2 z 0, और इसको जैसे लगाएंगे यहाँ पे e की पावर z का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में e की पावर z का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास f ऑफ z इक्वल्स टू क्या आ गया, इंटीग्रल e टू द पावर z प्लस में आयोटा e टू द पावर z आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो f ऑफ z को हमने क्या कहा है, 1 प्लस आयोटा स्मॉल f ऑफ z है, और उधर इंटीग्रेशन अगर अपन देखें इसको तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ पे देखो अगर अपन e की पावर z को कॉमन कर लें कितना आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा से इधर डिवाइड कर दो तो यहाँ का 1 प्लस आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा और इसके अपॉन में 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इस तरीके से अगर हमारे पास आ जाएगा तो f ऑफ z की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर z प्लस में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। देखिए अगर डाउट लग रहा है तो देखो, अगर आपके पास देखो इस तरीके से वैल्यू दी है, यू माइनस वी की वैल्यू दी हुई हमें कितनी, हमें दी हुई ई की पावर एक्स,
और कितना है कॉस वाई है माइनस में कितना है साइन वाई है, ठीक है, कॉस वाई है और माइनस में कितना है साइन वाई है, ये वैल्यू है हमारे पास। हमने क्या करा, हमने माना है ये वैल्यू तो है हमारे पास, हमने ये मान के रखा है कि एफ ऑफ जेड कितना है, ये है यू प्लस आयोटा सी, ओके। हमने इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा, यहाँ से आयोटा से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, आयोटा यू हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस वन दिया जाएगा। अब अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड को अगर अपन कॉमन कर लें तो ऊपर वन बचेगा और नीचे आयोटा वन बचेगा, यहाँ पे रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है यानी कि यू माइनस वी हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी यूज होता है तो यू प्लस आयोटा वी हो जाएगा, ओके। अब अगर हम इस फंक्शन को कैपिटल एफ ऑफ जेड बोलते हैं और ये इक्वल टू इस वैल्यू को बोल दें ये कैपिटल यू है प्लस आयोटा के साथ में ये कैपिटल वी है, ओके, तो बताओ ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इस कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए क्या हो गया रियल पार्ट हो गया, और इधर वाला ये जो पार्ट है ये कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अब हमें जो मेथड पता है उस मेथड को किससे कैपिटल यू पे अप्लाई कर देंगे, और कैपिटल यू की वैल्यू कितनी है यू माइनस वी है, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास ई की पावर एक्स है और कितना है कॉस है कॉस वाई माइनस में साइन वाई है, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू के लिए अपन क्या पता करेंगे, इस वैल्यू को ये डेल यू बाय डेल एक्स पता करेंगे, इस वैल्यू के लिए डेल यू बाय डेल वाई पता करेंगे और इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे अपन अपने क्वेश्चन को। आई थिंक अब आपको आ गया होगा समझ में ये, या अभी भी कुछ डाउट है।